कैमरा ऑन करके बैठ जाती हो। दिल तो ऐसे करता है बहुत कुछ बातें करनी है, बहुत कुछ बोलना है, बोल दो सब कुछ, बट जब ये कैमरा उठा रही हूँ बार बार ऑन कर रही हूँ, मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं बोलूँ क्या। सबके सामने मैं रो भी नहीं पाती हूँ, नीचे मेरा बेटा छोटा है वो रोने लग जाता है मुझे देख के, दो दो घंटे चुप नहीं होता। दादी मेरी इतनी ज़्यादा सीरियस है, इतनी ज़्यादा तबीयत खराब हो रखी है उनकी, सारी रात दर्द में चीखे मारती रहती है, उनके लिए भी मैं रोती रही हूँ, इसलिए ऊपर आई हूँ चुप चुप के रो रही हूँ, ऊपर के रूम पे बैठ के सबसे चोरी आके रो लेती हूँ, फिर चुपचाप बस नीचे चली जाती हूँ। सब लोग पूछ रहे हैं कि मेरे हस्बैंड को हुआ क्या था, क्या बीमारी थी, तो मैंने एक वीडियो शेयर किया कम्युनिटी पे, जो सबसे पहले जहाँ से इनके बीमार होने की स्टार्टिंग हुई वो वीडियो मैंने शेयर किया, और उनको प्रॉब्लम क्या थी उनको। सॉरी अभी प्रियांश आ गया था एकदम, तो मुझे कैमरा बंद करना पड़ा। और उनको पैनक्रियास्टाइटिस की प्रॉब्लम थी, पैनक्रिया में सूजन आ गई थी, और उस वजह से उसका ट्रीटमेंट चलता रहा, ठीक होने लगे थे, बस पता ही नहीं क्या हुआ लास्ट में कि उनका लीवर किडनी सारा कुछ ही मतलब इन्फेक्ट हो गया। पैनक्रिया ठीक कराते क्या कुछ बन गया कुछ समझ नहीं आया, गाल ब्लैडर होता है जो वो ब्लॉक हो गई, उस गाल ब्लैडर ब्लॉकेज हो गया, उनकी जो नसें थी नसें ब्लॉक हो गई, ड्रिप नहीं लग पा रही थी, तो ट्रीटमेंट ही नहीं आगे कंटिन्यू हो पाया, फिर भी मेडिसिन चालू थी वो हम दे रहे थे, तो जो ब्लॉकेज वगैरह हुई थी वो उनकी जिम के प्रोडक्ट्स लेने की वजह से हुई थी, वो जिम के जो पाउडर वगैरह पीते थे मे भी उनके कारण हुआ था। कुछ लोग मुझे कमेंट कर रहे थे, मैं आप सबके कमेंट पढ़े हैं, रात को जब मुझे इनकी याद आती है तो मैं रो लेती हूँ, बस पिक देख लेती हूँ, वीडियो देख लेती हूँ, फिर अपना मन फहराने के लिए आप लोगों के कमेंट पढ़ने लगी। आप लोगों के कमेंट पढ़ रही थी तो मुझे किसी ने ऐसे कमेंट किया था कि बाबू मर गया तो क्या हुआ ये वो, तो मैं भी उसके लिए ये सब नहीं कर रही हूँ, कुछ झूठ नहीं बोल रही, बोले तो झूठ ऐसे बोल देगी मजाक है, यार मजाक और झूठ नहीं है, इतनी बड़ी बात कोई मजाक में नहीं बोलता है। आपको भी पता है कि कौन अपने हस्बैंड को मजाक के लिए या व्यूज़ के लिए मार देगा, और व्यूज़ आप मेरी पीछे की वीडियोस आप देख सकते हो, मेरी जितनी भी वीडियोस हैं उन पे मेरे अच्छे खासे ही व्यूज़ ही हैं, मैं कोई ये नहीं है कि मेरे व्यूज़ नहीं आ रहे उसके लिए मैं झूठ बोलूँ या वीडियोस बनाऊँ। और साफ साफ बात यह है कि मुझे मेरा बच्चा पालना है, मुझे यूट्यूब चलाना है, इसके लिए मुझे चाहे कोई कुछ कहे, कोई मेरा सपोर्ट ना करे ना से, लेकिन मुझे यूट्यूब चलाना है, मुझे वीडियोस बनानी है, कोई मुझे कितना ही टॉर्चर करे, कितने ताने दे, कितने बैड कमेंट्स करे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि मेरे लिए सबसे ज़रूरी मेरे बच्चे का फ्यूचर है, उसके लिए उसके पापा ने बहुत सपने देखे थे, आज मेरे पास कुछ भी नहीं है, एक पैसा भी मेरे पास नहीं है, मुझे नहीं पता मैं उसको कैसे पढ़ाऊँ, कैसे मैं उसके स्कूल के फीस दूँ, सब कुछ था हमारे पास, सब कुछ पैसा वैसा घर बार सब कुछ था, लेकिन आज टाइम ऐसा है मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो मुझे तो अपने बच्चे को पालने के लिए यूट्यूब चलाना है। जब तक मैं खुद में इतनी हिम्मत नहीं लेके आती कि मैं बाहर जाके जॉब कर सकूँ, तब तक तो मुझे यूट्यूब से ही चलाना है। और था हमारे पास सब कुछ था, सैलरी थी, पैसा था, सब कुछ था, लेकिन अब हमारे पास कुछ भी नहीं है, और ये चीज़ बोलने में मुझे कोई शर्म नहीं है कि मेरे पास कुछ नहीं है, नहीं है तो नहीं है यार, नहीं बचा, और पीछे से हमारी कोई सपोर्ट भी नहीं है, कोई मेरा सपोर्ट भी नहीं कर रहा है, तो मुझे अकेले ही सर्वाइव करना, अकेले ही मुझे मेरी लड़ाई लड़नी है, मुझे अपने बच्चे को पढ़ाना है, मेरे हस्बैंड तो मेरे सारे सब कुछ छोड़ के चले गए हैं, मुझे अब आगे करना है कंटिन्यू, अपने बच्चे के लिए जीना है और अपने बच्चे को अच्छी ज़िंदगी देनी है मुझे, बिना कुछ गलत काम किए, तो यूट्यूब चलाना कोई गलत काम नहीं है, मैं यूट्यूब पे वीडियो बना रही हूँ, जिसको मुझे गालियाँ देनी है दो, जिसको मुझे बुरा भला कहना है क्यों, लेकिन मुझे भी ज़रूरत है यूट्यूब चलाने की इस टाइम बहुत ज़्यादा,
और मैं कोई मजाक नहीं कर रही हूँ, कोई मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, ये मेरी ज़िंदगी का कड़वा सच है कि मेरे हस्बैंड अब नहीं रहे हैं। और जिस पे बीतती है उसको ही पता होता है मेरे पे बीत रही है, मुझे ही पता है मेरे पे क्या बीत रही है। तो प्लीज़ मुझे आप लोग जज करो, तो उससे पहले आप 100 बार सोचो कि इस टाइम मेरे पे क्या बीत रही है। बस मैं यही बोलना चाहती हूँ, आपको जो बोलना है आप बोल सकते हो, मैं कोई कमेंट हाइड नहीं करूँगी, मैं कोई लाइक डिसलाइक हाइड नहीं करूँगी, आपका जो राय है जो मन है आप बोल सकते हो।